अस्सलामु अलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी आज की रेसिपी। मैं अपनी आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जी। तो मैं बना रही हूँ आज, क्या बना रही हूँ जी, मैं आज बना रही हूँ चना पुलाव। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी, आपको भी दिखाती चलूँ, आपके साथ भी शेयर करूँ, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। और कुछ आपको मैं अपनी चीज़ें भी दिखाती चलूँ। ये देखें, आपके पास लहसुन एक्स्ट्रा है तो वो जो मैंने फ्रीज करके रखा था उसका कुछ प्रॉब्लम कर रहा है मेरे साथ कि अभी मैं भूल गई जैसे कि, तो मैं उसको निकाल नहीं पाई तो वो इतना जमा हुआ निकल नहीं रहा। तो ये वाला मैंने ऐसे रखा था और ये देखें बिल्कुल सेम कलर का है माशाल्लाह से। आज इसको 20-25 दिन तो हो गए और ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ और ये आपस में चिपका भी नहीं है। तो सबसे ज़बरदस्त तरीका ये है कि आप इसी तरह से छील के उसको बगैर कूटें रख लें, ग्राइंड करने करके रखेंगे तो हमें नुकसान होगा क्योंकि जब हमें चाहिए होगा तो वो टाइम पे मिल नहीं सकेगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने, आपके सामने अपने लहसुन को कूटूंगी और फिर अपना आगे काम शुरू करते हैं। ये मैं डाल लेती हूँ, अच्छा होगा जायका। और एक और फ़ायदे की बात मैं आपको ये बता दूँ कि जब मैं इसको कूटूँगी ना तो ये, जब आप लहसुन ऐसी चीज़ में कूटते हैं तो वो एक ऐसे उछलता है, उछल के तो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो आप ये देखेंगे कि ये अल्लाह के करम से बिल्कुल भी नहीं उछलेगा, बिल्कुल आप आराम से इसको कर लेंगे। तो इसलिए मेरा मशवरा आपसे ये है कि अगर आपके पास भी लहसुन एक्स्ट्रा है या मतलब गलती से ले आएँ या ख़ुद लाएँ तो आप भी ऐसे छील के रख लें। जब आप देखें कि लहसुन अपनी जड़ें निकाल रहा है तो आप लाजमी उसको ऐसे छील के तो बस फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें उसको, और इसके अंदर बर्फ़ जम जाएगी, इसका कलर सेम रहेगा, इसका जायका अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला आपके जायकों में इजाफा करे, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दे, अच्छी अच्छी नियमतें अता करे जो आप खाएँ और अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं आज अपनी पूरी वीडियो आपके साथ बनाने वाली हूँ, देखें कितना टाइम लगता है। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे मेरी आजकल सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग मेरी वीडियोस को टाइम दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसा ही होगा, आप साथ आगे तक ऐसे ही चलेंगे। और जो कोई न्यू है मेरे चैनल पे, जो न्यू सब्सक्राइबर, जिसने सब्सक्राइब नहीं भी किया हुआ, अगर किसी ऐसे बंदे तक मेरी वीडियो पहुंच रही है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी बहन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो लोग आजकल ज़्यादातर भूल जाते, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस किए बगैर आप मुझे सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो मुझे उससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आप मेरी वीडियो को नहीं देखेंगे। तो जब आप मेरी वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप खुद, आपको पता है कि मुझे तो बिल्कुल भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अच्छा जी, तो मैंने ना थोड़ी देर के लिए चूल्हा जो है बिल्कुल कम कर दिया था ताकि मुझे लग रहा था कि मेरी प्याज जो है वो जल्दी ही ब्राउन होने वाली है, तो इस वजह से। अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हो, ऐसा आपको भी लगे, तो आप भी फौरन चूल्हे को बंद कर दें। वैसे पुलाव के अंदर ज़्यादा गोल्डन प्याज ही अच्छी लगती है, अच्छी रहती है। अभी मैंने अपने टमाटर रखे हुए निकाल के फ्रिज से, उनको भी मैं फ्रीज करके रखती हूँ, उनको मैं आपके सामने कूटूंगी, बारीक पीस लूँगी कहते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ के चली गई तो हो सकता है कि
ये जल जाए। वैसे भी जले हुए खाने अच्छे नहीं लगते। आपका बहुत शुक्रिया जो मैंने मुझसे कमेंट में आके सवाल करती हैं। यकीनन मुझे उनके कमेंट से पता चल जाता है कि उन्होंने मेरी वीडियो को पूरा देखा है, एंड तक देखा है। उनका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत नवाजिश जी। तो मेरा प्याज तकरीबन डन हो चुका है। ये प्याज बिल्कुल इस शक्ल का होना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी जी। तो आपको मेरे सामने टमाटर नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल नज़र आ रहे होंगे। तो अब मैं आपके सामने देखें, इनको मैंने फ्रीज़ किया था और तकरीबन 2 मिनट पहले मैंने इनको, 2 मिनट हो गए होंगे, हाँ शायद 2 मिनट पहले मैंने इनको पानी में ऐसे भिगो लिया था। क्यों भिगोया था? ताकि ये छिलका नरम होके जल्दी से उतर आए। और प्याज टमाटर का छिलका बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। आप नोट कर लेना, बच्चे जब पेशाब करते हैं तो ये बिल्कुल भी हज़म नहीं होता, छिलके सामने आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो लिहाजा आपकी सेहत इसी में है, आपकी भलाई इसी में है, आपकी बेहतरी इसी में है कि आप टमाटर को छिलका उतार के यूज़ करें। तो उससे ये होता है कि आप ऐसा करें कि ये टमाटर को गर्म करके भी आप छिलका इसका आराम से उतार सकते हैं। लेकिन मेरे पास, मेरा हाथ जो है वो बिजी है, एक मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ, तो इस वजह से ये थोड़ा फिसल रहा है। और ये मैं जब कूट लूँगी ना तो ये जो थोड़ा सा रहता है वो ऊपर आ जाएगा, मैं इसको उतार लूँगी। इसी तरीके से ये दूसरा भी उतार लेती हूँ मैं। आप जो ही उतारें, जो ही निकालें फ्रिज से फ्रीज़ हुए हुए, तो फ़ौरन उसी टाइम आप टूटी के नीचे रख लें पानी के अंदर। दो एक में 2 3 4 सेकंड के अंदर ही ये थोड़ा सा वो हो जाता है। फिर आपका ना ऐसे ही सख्त रहेगा, मेरा थोड़ा ज़्यादा देर रहा है। ये देखिए ये बहुत आराम से उतर गया है। अब मैं करूँगी ये, इस साइड पे जाके इसको कूट लूँगी। दरमियान में कूटना नहीं चाहिए क्योंकि स्पोर्ट नहीं होती तो ये टूट भी सकती है। इस वजह से मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ। कूटने की कौन सी बात है, बस ये हमने सिर्फ 2 3 बार इसको मारना ही है, ये खुद ही हो जाएगा सारा। है ना अच्छा तरीका? देखें, मुझे टाइम भी नहीं लगेगा, मेरे टमाटर फौरन से गल भी जाएंगे। और बस इसको मैंने इतना ही करना था जी। तो व्यूअर्स, मैंने आपके सामने बंद किया था चूल्हा। ये मेरी वीडियो में मुझे कुछ स्मोक स्मोक से लग रही है, मेरे ख्याल में क्लियर आपको भी नहीं नज़र आ रहा होगा। मैं चेक कर लेती हूँ क्या वजह है जी। कोई प्रॉब्लम थी जो मैंने देख ली और उसको दूर कर दिया। अब मैं आपके सामने क्या करने वाली हूँ कि जो टमाटर मैंने पीस के रखे हैं, ये देखिए ये ऐड कर दूँगी। और आज मेरा मूड है कि मैं कोई मिर्ची वाली चीज़ खाऊंगी, आज मैं इनके अंदर मिर्ची डालूंगी। आपको देखें प्याज की कलर लग रही होगी। अब जब ये इसके अंदर मैं कोई मसाला नहीं डालूंगी, सिर्फ रेड मिर्ची ही डालूंगी, लेकिन आप इसका कलर देख लेना पुलाव का। टमाटर आपकी मर्ज़ी है, वैसे मैं तो डाल रही हूँ, कभी नहीं भी डालती होती, बिरयानी वगैरह में डालती होती हूँ। लोग, बाज़ लोग ऐसे भी बना लेते हैं, वो ऐसे भी ठीक है, लेकिन डाल लें तो ज़्यादा अच्छा।
तो जी मेरे प्याज भी टमाटर भी सॉरी ये देखें अभी कोई मसाला कोई मिर्च कुछ भी नहीं डाला हुआ, लेकिन आप इसका कलर देखें भी आपके सामने डालने वाली हूँ रेड मिर्ची। अभी दूसरा चम्मच मेरे पास नहीं है, मैं आज थोड़ा मैंने आपको पहले भी जैसे कि बताया है मैं थोड़ा तेज़ खाना चाहती हूँ, तो बस आज मैं थोड़ी तेज़ ही मिर्ची डालूँगी, आपने अपने रायते के हिसाब से डाल दी है। मेरे पुलाव का कलर तो मिर्ची डाले बगैर भी ऐसे ही लग रहा था, आप इसके अंदर हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। जिन लोगों को कोई तकलीफ है बीमार है मैदे के मरीज है उनको हरी इस्तेमाल करनी चाहिए, वो बिल्कुल भी ये ना डालें। तो ये मैं एक अदद चने इसके अंदर ऐड करूंगी, और ये मेरे सामने चावल पड़े हुए ये चावल लूंगी, कितनी मिकदार में लूंगी ये मैं जब डिसाइड करूंगी तो फिर बताती हूँ आपको कि कितने बनाऊंगी मैं। अब मैं इसके अंदर चने बिल्कुल ऐड कर सकती हूँ क्योंकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो जी भी मैंने चने ऐड कर दिए हैं, इसके अंदर पानी होता है केमिकल जाहिर सी बात है डालते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, सेव करने के लिए वो बेहतर होता है कि हम लोग यूज़ ना करें उनको फेंक दें उस पानी को, तो उस पानी को मैंने फेंक दिया है। अब कुछ देर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह माजरत माजरत मुझे आप लोगों को अब कहना पड़ेगा यार अल्हम्दुलिल्लाह मसाले की वजह से मेरी छींक आ गई, तो ये देखें ये अब कितनी थोड़ी देर के लिए मैं ये देखें वो जो छोटा सा थोड़ा सा छिलका रह गया था ना वो ये आपको नज़र आ रहा होगा, चावल लें तो चावलों से सामने नजर आएगा निकाल लूंगी। अब जी मैंने शामिल करना है इसके अंदर नमक, आपने अपने जायके के हिसाब से डालना है, अगर आपके घर में कोई बीमार है अल्लाह ना करे कोई मरीज है बीपी का उसका ख्याल करते हुए आपने डालना है नमक को। और ये कौन सा पाउडर है जनाब, हाँ ये धनिया पाउडर है ये भी डाल लेती हूँ, अच्छी खुशबू आएगी, बल्कि आना शुरू हो गई है जो भी डाला है ना, क्या वाह वाह खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये देखना है मैंने चावल कितने बनाने हैं। जी भी बस ये देख लें मैं ये भर के बना रही हूँ, और अब इनको मैं धो के तो चावल पानी में डाल दूँगी क्योंकि भिगोने का टाइम नहीं रह गया मेरे पास, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर भिगोएं। इस कप को मैंने भर के दो पानी के डाल ली हैं और एक कप चावलों का मैं बना रही हूँ। जी तो मैं ना चावलों को थोड़ा ऐसे पानी डाल के हल्के हाथों से इनको रगड़ के तो धोना चाहिए क्योंकि जब आपको पता है कि बाज़ुकात चावल की स्मेल भी आ रही होती है, तो अगर चावल अच्छे तरीके से धोए हों तो फिर उसका ये होता है कि उनकी स्मेल नहीं आती, आप ऐसे करके आराम से धो लें, और बेशक थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी है ना क्योंकि हमने भिगोए नहीं थे, अगर इनमें कोई एक्स्ट्रा पानी है तो मैं उधर डाल दूँगी, इतना ज़्यादा इतनी कोई तफसील से मैं पानी नहीं इसका निकालूँगी, थोड़ा बहुत बेशक रह जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चले एक बार और पानी से निकाल लेती हूँ, ये तो ओरिजिनल चावल है माशाल्लाह असल वाले हैं, इसके अंदर इतना वो आपको पानी से नज़र आ रहा होगा कि वो है ही नहीं, एक चीज़ होती है चावल के अंदर वो ना निकले तो फिर स्मेल आती है। अच्छा जी तो ये देखें ये मैंने डाल दिया है,
और ये जो थोड़ा बहुत पानी है मैंने खुद चाहा है कि रही मुझे तो बहुत मजे की खुशबूएं आ रही हैं। तो अब देखते हैं कि इसका जायका कैसा होता है। आज मैं इसके अंदर अचार नहीं शामिल करूंगी, करना चाहूँ तो कर भी सकती हूँ, ये भी बहुत मज़े का होता है, लेकिन मैं आज नहीं करती। अगर मुझे अचार की कोई ज़रूरत पेश आई, महसूस हुई कि मुझे खाना चाहिए, तो मैं चावलों के ऊपर से डाल के खा लूँगी। इसको मैंने इसलिए यूज़ किया, मैंने इसके साथ मिर्ची डाली थी रेड, तो वो इसके साथ, ये देखें ये छिलका, सिर्फ एक छिलका रह गया था और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया है। अब आपको कोई छिलका मेरा नजर नहीं आएगा चावलों में। इसके साथ अच्छा है, ये देखेंगे चावल भी नहीं टूटेंगे। और जब पहली बार फर्स्ट टाइम हम चावल डालते हैं अच्छी तरह से, तो ये याद रखें कि चावल को एक बार जरूर नीचे तक और अच्छी तरह से आपने एक बार जरूर हिलाना है अच्छी तरह से। तो अब मैं आपको एक अच्छा सा फार्मूला बताती हूँ कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो आपके खाना बनाने के बाद बहुत ज़्यादा आपकी मतलब कि काम बढ़ जाता है, बर्तन वगैरह गंदे हो जाते हैं, आप परेशान रहती हैं, अल्लाह क्या करूँ खाना बना के थक गई हूँ, तो ये बर्तन मुसीबत कहाँ से आ गई, इतनी कैसे धोऊंगी। तो आपसे ये मेरा मशवरा है आपको कि जो चीज़ भी आप यूज़ करें साथ में उसी टाइम पे ऐसे, इन चीज़ों में कोई चिकनाई नहीं है कि मैं इनको साबुन लगाऊं, मैं बिल्कुल इनको साबुन के बगैर भी धो सकती हूँ। ये देखें इसमें मैंने चावल धोए, इससे मैंने चावल निकाले, तो ये देखें ये काम हो गया जी मेरा आराम से ख़त्म, कोई गंदगी कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा कर लिया है। और ये देखें इसको भी मैंने धो लिया है जिसके अंदर मैंने उसको कूटा था। अब थोड़ी देर में इसको इस खिड़की में रख देती हूँ धूप की, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही उठा के रख दूंगी तो क्या होगा, होगा ये कि इसको जंग लग जाएगा, और जब जंग लगेगा तो फिर ये ख़राब हो जाएगी, मेरे काम की नहीं रहेगी। तो इसलिए इसकी मैं एहतियात करती हूँ, मैं जब भी इसको धोती हूँ तो इसको रख देती हूँ। आप भी ऐसे ही नाजुक से चम्मच के साथ चलाएं, क्योंकि चावल बहुत जल्दी टूट जाने वाले होते चीज़ होती है, जो अगर ज़ोर ज़ोर से उसको जैसे अलीम को गोटा लगाते हैं आप ऐसे करेंगे तो फिर वो क्या होगी ख़राब। अच्छा, तो साथ साथ मैंने क्या नाम है ये धनिया पाउडर डाल दिया था, अब मैं साथ साथ अपनी चीज़ें भी रखती जाती हूँ, ठीक है, ताकि जो चीज़ यहाँ पे इन चीज़ों का गन ना पड़े, मेरी काम ख़त्म हो जाए, मैं अपनी चीज़ों को समेट लूँ, तो ये बहुत अच्छा है। अभी इस साइड से शायद आपको रोशनी नहीं आ रही होगी, मेरी बैटरी कम थी, मैंने फ्लैश को ऑफ़ किया हुआ है, और मैंने क्या सोचा था कि मैं गैरी पाउडर डालूँगी, चले थोड़ा सा ये मैं पाउडर डाल लेती हूँ, ये मसाला है। व्यूअर्स, मैंने एक चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया है, और ये देख लें आप कि इस स्टेज पे आके जब पानी थोड़ा सा कम हो गया है तो मैंने इसको बिल्कुल दम पे रख दिया है, अब बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको छोड़ दूंगी, बस इससे ज़्यादा नहीं, 5 मिनट भी नहीं पके, और ये आप इसी दम पे इंशाल्लाह पक जाएंगे। तो अब देखें आप, मेरा काम हो गया है ख़त्म। ये देखें ये टमाटर के जो छिलके थे ये मैं डाल दूंगी इधर डस्टबिन में, और अब मैं डाल लूँगी ये, इसको धो लूँगी, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं गंद फेंकूँगी तो ये बंद हो जाएगा, तो ये एक चना भी इसके अंदर चला गया है, तो ये बंद हो जाएगा, तो जब ये बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम किसको होगी, मुझे होगी, इसलिए मैं इसके अंदर गंद बिल्कुल भी नहीं फेंकती, कोशिश करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये बंद नहीं हुआ। वो मैंने आपको दिखाई थी वो चीज़ जो पड़ी है सामने छन्नी,
मैं सारी चीज़ें पहले उसमें डालती हूँ। ये देखें मेरी प्लेट बिल्कुल अच्छी तरह चमक गई है, बिल्कुल भी साबुन रगड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ टमाटर को रखा था। जी तो और क्या काम रह गया है जी, आज मैं आपके सामने ना आपको आसान तरीके बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल थकेंगे नहीं जब तक मेरे चावल पकते पकते। तो ये देखिए ये यहाँ से मैं ये भी साफ़ कर लेती हूँ, ये साफ़ करके, क्योंकि कुछ औरतें मैंने ऐसी देखी हुई हैं ऐसी गंदी औरतें होती हैं, प्लीज़ कोई माफ़ कीजिएगा, माइंड ना करना मेरी बात को, लेकर मैं कह सही रही हूँ कि जो उधर ही गंद पूरा फेंक के 3 घंटे पूरे किचन में उधर ही गंद पड़ा रहता है तो जाके तो बस वो थकावट उतारना शुरू कर देती हैं कि हम लोग खाना बना के थक गए। तो अगर आपको भी थकावट होती है तो आप भी ये काम कर लें, क्योंकि बाद में एक बार बंदा बैठ जाए तो फिर वो उठता नहीं है। और बाज़ लोग यहाँ पे ऐसे भी होते हैं कि जो खाना वगैरह बनाते हैं लेकिन बना के सिर्फ तो चूल्हे शूल्हे की तरफ ध्यान कोई नहीं देता, उसको साफ़ करने की ज़हमत नहीं करते। तो ये आदत भी बहुत बुरी है आपकी चीज़, आप उसका ख्याल रखें। तो जी मेरा ये वाला काम हो गया तमाम अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देखें कोई गंद नहीं नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए ये विंडो मेरे ख्याल में बंद कर देती हूँ क्योंकि मैंने देखें चावल बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखे हुए, बिल्कुल भी आपको दम वाली चीज़ नज़र आ रही होगी। तो अब मैंने ये करना है कि इस पैकेट को करना है बंद, ऐसे बंद करके इसको मैं इसकी जगह पे रख देती हूँ। ये देखिए ये मेरी खाने पीने की चीज़ है, मैं अपनी खाने पीने की चीज़ें ऐसे रखती हूँ यहाँ पे, अगर ज़्यादा इसलिए मैंने ये एक टोकरी रखी हुई है। और इस टोकरी में ना सिर्फ आप मेरे दाल चावल देखेंगे, ये देखें इसमें मैंने दालें और चावल रखे हुए, इसलिए ये रखी हुई है कि ताकि मेरी जगह कम लें। ये दाल चावल पड़े हुए, ये ऊपर कुछ मसाले वगैरह पड़े हुए, और इसके एक अंदर आटा है, इसके अंदर चीनी है। तो जी जब तक मेरे चावल दम पे तैयार होते मैं इसको भी, इसके अंदर मैंने टमाटर डाले थे धोने के लिए, इसके अंदर भी कोई गंदगी नहीं है लिहाजा इसको भी मैं बिल्कुल बेफिक्र होके पानी से, इसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको कुछ नहीं होगा, ठीक है ये साफ़ है, इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मेरे बेटे का फीडर पड़ा है। जी तो अल्लाह का शुक्र है ये लास्ट मेरी ये चीज़ रहती थी ये साफ़ हो गई है। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं आपके सामने तो नहीं करूँगी लेकिन ये फर्श धो लूँगी तो बस मेरा किचन भी साफ़ हो जाएगा अल्लाह का शुक्र। जी तो मेरा ये चीज़ भी साफ़ हो गई है, अब मेरा फर्श रह चुका है जो मैं बाद में धो लूँगी। और आपको एक और बात बताऊं कि जब भी आप सिंक को धोएं तो उसके ऊपर पानी के जब खुश्क हो जाता है तो वाइट वाइट के दाग, कोई नज़र मैंने कपड़ा मार दिया है तो दाग पड़ जाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो ही आप सिंक को धोएं उसी टाइम पे फ़ौरन उस पर जैसे मैं कपड़ा लगा रही हूँ कोई कपड़ा लगा दें तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके सिंक पर दाग नहीं पड़ेंगे, ठीक है। और ये चीज़ भी वैसे लोग यूज़ करते हैं, ये भी करनी चाहिए रख लेनी चाहिए ऊपर, इसके ये चीज़ ऊपर रख लें ताकि अंदर इसकी गंदगी ना फंसे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का आपको मेरा ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ, उम्मीद पे तो सारा जहान कायम है। और ये देखें ये मैंने किचन के जो कपड़े यूज़ करती हूँ जिनको मैं, तो उनको इधर ऊपर रख लेती हूँ
इन दूसरे या तीसरे दिन इनको वाश करती हूँ। वाश करके तो नीचे फर्श पे, तो अभी भी फर्श धोने की ज़रूरत है, तो इसको मैं वाश करती हूँ तो इधर नीचे रख देती हूँ। अगर आप ये देखें, मेरे चावल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक टाइम पे, इनको मैंने दम पे लगाया था, ये तो जी हो गए तैयार। उम्मीद है कि आपको अच्छे लग रहे होंगे। और मैं आज अपनी वीडियो का भी इख्तिताम यहाँ पे करना चाहती हूँ, क्योंकि इनको मैं मज़ीद कोई 10 मिनट तक रखना चाहती हूँ, ताकि इसके अंदर अगर थोड़ी सी भी मुझे लगे कि कच्चापन है तो इनका दूर हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। सिर्फ आपके देखने से मेरा टाइम बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा, तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने दोस्तों से, अपने भाई बहन भाइयों के नंबर से, प्लीज़ जिस जिसके पास मोबाइल है उनको कह दें कि मेरी प्लेलिस्ट ऑन करके छोड़ दें, तो ताकि मेरा 5 अगस्त तक वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाए। देखें आज 5 हो गई है, तो अब 25 दिन रह गए हैं मेरे पास, 1 महीना रह गया है, 1 महीना तो नहीं, आधे दिन चले गए हैं। तो इसलिए प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरी फूफा मुझे डांट रही थी कि तुम ना वीडियो में लोगों की मिन्नतें क्यों करती हो, जिसने सब्सक्राइब करना होगा, जिसने वीडियो देखना होगा देख लेगा। तो मैंने कहा कि जी, जब वीडियो जब बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, जब आपको आपका दिल होता है कि आप कामयाब हो जाएं जल्दी, तो फिर ऐसे बोलना पड़ता है। तो अपनी फैमिली मेम्बर्स होते हैं यूट्यूब जो हमें सब्सक्राइब करते नहीं भी करते, जो हमें देखते हैं, हमारे मुल्क के लोग होते हैं, हमारे मुल्क के नाम भी हों तो हमारे दीनी बहन भाई हैं, अगर दीनी बहन भाई ना भी हों तो इंसानियत का भी कोई रिश्ता नाता होता है। तो हर इंसान मोहतरम होता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। तो मैंने उनको बोला कि यूट्यूब जो है वो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो भी मेम्बर हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमें पसंद करते हैं, तो उनके सामने अगर हम लोग कह भी दें कि प्लीज़, अगर हम रिक्वेस्ट भी कर दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए मैं रोज़ाना आपके सामने रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे इस रिक्वेस्ट में कोई आर नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, आप लाइक करना मेरी वीडियो को भूल जाते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। आज मैं चावल को निकाल के थंबनेल में इन्हीं चावलों की पिक्चर लगाऊंगी, आपको अभी निकालते हुए नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो एंड हो जाएगी। तो मैं अपनी बात ये कह रही थी कि मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और रोशन अंकल की तरह अपनी वाइफ से भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के उनके फ़ोन पे भी लगा के वीडियो तो मुझे वॉच टाइम दे दें। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उन्होंने अपनी वाइफ के मोबाइल से भी मेरी वीडियो जो है वो देखते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करेंगे, तो अगर आपके घर में 2-3 मोबाइल हों, तो प्लीज़ अपने घर वालों को कह दें, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अगर मेरी 1 घंटे के लिए भी आप लोग प्लेलिस्ट ऑन करेंगे 5 अगस्त तक, तो हो सकता है कि मेरा टाइम पूरा हो जाए। तो मैं कुछ कह रही थी लेकिन मैं भूल गई हूँ कि क्या कह रही थी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैंने वीडियो को स्टॉप कर लिया था। मैं, हो सकता है मैं सब्सक्राइब करने के बारे में ही कह रही हूँ, हाँ वॉच टाइम के बारे में कह रही थी। तो जी चले, मेरे वीडियो को 28 मिनट हो चुके हैं, जहाँ पे इतना आपने देख लिया, साथ दे दिया, तो थोड़ा सा और दे ही देंगे, 30 मिनट को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने प्याज काटी, तो मुझे लगा था कि मैंने ज़्यादा प्याज डाल दी है, तो मैंने सोचा कि जो थोड़ी सी बच गई है तो इसको मैं ज़ाया नहीं करती, इधर रख देती हूँ, अभी जब मैं चावल खाऊंगी तो सलाद बना के खाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है कच्ची प्याज, बहुत पसंद है, आप सोच भी नहीं सकते, मुझे खीरा और कच्ची प्याज बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मुझे दूर से कभी खुशबू आ जाए तो मेरा दिल चाहता है कि जहाँ से खुशबू आ रही है उधर ही चली जाऊँ, तो इसलिए मैं ये ज़रूर खाऊंगी, और अक्सर खाती भी रहती हूँ मैं दिन के खाने में। रात को सुना है कि प्याज नहीं खानी चाहिए। तो जी जनाब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी। आजकल मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड करती हूँ कि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, तो अब मैं पहले से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि वीडियोस
अपलोड करती रहूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग मेरी सारी वीडियोस को देखना, उन पे ज़रूर आना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।